लो जीते रहो मंसूर बेटे। बेटे ये तुमने गले में होटल की चाबी पहनी हुई? नहीं अंकल, ये तो आजकल का फैशन है। Are you Mr. Garrison? Yes. Sir, you have a phone call. You can take it right here. Thank you. I will see how long you go with $1 gas. आप मेरा खून सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि मैं ही नहीं आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है, कि मैं इन हराम के पिल्लों को जहन्नुम फासिल करके दबूंगा। हम एक दूसरे से खफा होके देखें। भाई ये धुन बराए करम बंद करवा दीजिए। देखिए ऐसी मौसीकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुफीद नहीं है। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी और हमारे साथ मौजूद हैं एवरग्रीन नौजवान नूर नकवी साहब। कैसे हैं नूर भाई, खैरियत से आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। आप तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट लग रहे हैं। क्या मतलब फिट लग रहा हूं, होना चाहिए भाई। आपने देखा है मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं या जितने वीलॉग्स होते हैं वो सब अलग होते हैं, तो चूंकि लोग हमेशा बॉलीवुड का एक्टर लॉलीवुड का एक्टर पकड़ते हैं, मैं डायरेक्टली हॉलीवुड में पहुंच गया। और नूर भाई जैसे आपको पता है, जैसे नूर भाई ने हॉलीवुड की फिल्म्स की हैं और नूर भाई ने वहां पे बहुत ड्रामास किए, टेलीविजन के लिए काफी काम किया है, और इनकी फिल्म 2018 में आई बिलीव ऑस्कर्स में भी नॉमिनेट हुई थी, शॉर्ट फिल्म। जी नहीं, शॉर्ट फिल्म नहीं थी, एंजल्स विद इन जो थी। हाँ हाँ, वो डॉक्यू ड्रामा है, 90 मिनट्स का डॉक्यू ड्रामा, बिल्कुल डॉक्यू ड्रामा है, जो 2018 के या जो ऑस्कर्स थे उसमें शामिल थी। जी उसके बाद आपने तो हमारे फेवरेट माइकल डगलस के साथ भी काम किया है। वो तो छोटे छोटे से, हाँ नहीं नहीं वो छोटा सा, हाँ फरंगा पिंटो के साथ एक फिल्म थी। अरे क्या नाम लिया है, फ्रीडा पिंटो, हाँ सम डॉग में जीने, हाँ तो वो मेरी बेटी बनी है ओनली में। अरे वाह 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 जबरदस्त। तो सर अब देखें, आप में हम जब देखते हैं आपको तो हमारे ये होता है कि अरे इस बंदे को हम जानते हैं। अच्छा देखिए, कहाँ से जानते हैं? आपसे सवाल ये है मेरा, आपसे आपको तो हम बहुत अरसे से जानते हैं और इस इंटरव्यू में पता चलेगा कि हम आपको कैसे कैसे जानते हैं। अच्छा कि आप जो हैं, आपने बताया था या किसी ने मुझे चिड़िया ने बताया कि पीटीवी पे पहले चाइल्ड स्टार थे। हाँ बिल्कुल सही है, 1964 में जब लाहौर में टीवी शुरू हुआ है तो नवंबर 26, 1964 का जो पहला इतवार था उसमें जो बच्चों का पहला ड्रामा हुआ था हवाई किला, तो उसमें मैं था। तो जैसे लोग कहते हैं ना, तारिक अजीज वो पहला चेहरा था जो टीवी की स्क्रीन पे नज़र आए, ड्रामे में कवि साहब और महनाज रफ़ी ये आए, और बच्चों में मैं और वो जो मेरा साथी है शुएब, हम दोनों थे। शुएब और आप, यानी आपकी जोड़ी जो है वो तब से चली आ रही है साथ माशाल्लाह। अभी आपका टिकॉर टीवी पे हमने एक वो भी देखा था वीलॉग जो पूरे अमेरिका की सैर कराई जा रही है। जी वतन से दूर शुएब और नूर, बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह से आपने उसमें काफी घुमाया लोगों को। अभी तो शुरू हुआ है, 50 स्टेट्स हैं तो बहुत घुमाऊंगा। वतन से दूर शोएब और नूर, आपकी शक्ल जो है, एक बंदा था मैं उसको कहीं देखा है मैंने, अमजद नाम का था एक एक्टर, वो खुशबू फिल्म में और तराना फिल्म में आए थे वहीद मुराद के साथ। अरे अरे बेवफा बेवफा है ये दिल तोड़ देते हैं।
यार तुम्हारा तो दिमाग चलता है। ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी भी बहुत जल्द करा दूंगा। वो बल्कि मेरे फादर खफा हो गए थे कि तुमने अच्छा नाम छोड़ के अमजद क्यों रख लिया भाई, इससे अच्छा वो शबाब किरानवी साहब ने मेरा नाम रख दिया था अमजद पहली दो फिल्मों में, तराना और खुशबू में। तो मेरे वालिद बहुत खफा हुए थे इस बात पे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो फिर मैंने बाद में चेंज कर दिया। फिर एक आपने फिल्म वहां पे भी बनाई वाइट गोल्ड। जी जी वही जफर शबाब साहब के साथ मिलके बनाई थी 1986 में। जंग मेरे तेरे दरमियान थी, मर्दों का खेल था, घूम के इस गली में तू मेरे बच्चों को कैसे खींच लाया। मोहम्मद अली साहब जिसमें जी मोहम्मद अली थे और... मैं पाकिस्तान से अमेरिका ये सुनकर आया था कि यहाँ बहुत दौलत है, लेकिन यहाँ के पता चला कि यहाँ रहने के लिए ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड के लिए तुम्हारे जैसी चिटी चुई से शादी जरूरी। और फिर नन्ना की आखिरी फिल्म थी वो दे अमेरिका वालो अपनी कुड़ी संभालो, और जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की है मैं वहां मौजूद था उस लाहौर में, क्यों नहीं वो बल्कि डबिंग थी हमारी वाइट गोल्ड की, तो मैं उनको पिकअप करने गया था उनके घर। तो जब घर पहुंचा हूं तो वो अपने वही उस सिचुएशन में सोफे पे बैठे हुए थे और खून सब बह रहा था। और फिर उनकी डबिंग किसने की? वो एक होता था मोहम्मद अहमद अली नाम का लड़का, उसने फिर नन्ना की और दूसरे कई एक्टर्स की उसने डबिंग की थी बाद में। अहमद अली बहुत मशहूर आदमी था लाहौर में, वो सुल्तान राही की बहुत अच्छी डबिंग करता था। मैं पूछ सकता हूँ कि पिंकी तुम्हारे किस जुर्म की भेंट चढ़ी? मसर्रत नजीर से भी आपने गाने गवाए थे उसमें? हाँ बिल्कुल गाया था, बिल्कुल। हाँ। उस जमाने में तो वो सिंगिंग में आ गई थी ना बहुत ही, और बड़ा हिट हुआ था उनका गाना वो जो वाइट गोल्ड का था, आया लाड़ी ये नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया था जी। वहीद मुराद के साथ भी आपने काम कर लिया, शाहिद के साथ भी कर लिया फिल्म में, मोहम्मद अली के साथ भी कर लिया, बचा कौन? सुल्तान राही के साथ, अपने गुल्लू भाई के साथ, फिर ये मुस्तफा कुरैशी। तराना में थे? तराना में हाँ वो भी थे। फिर नहीं जो एक मैंने पंजाबी की फिल्म की शेरू थे सुल्तान, वो सुल्तान राही मुस्तफा कुरैशी और मैं और गुल्लू। तो वो फिर हम लोगों को लेके आ गए थे, मैं टीनेजर था उसका। तो थोड़ा सा बताएं कि आपके वालिद साहब का बैकग्राउंड, बहुत वो भी तारीखी, हाल ही में उनका 2 साल पहले इंतकाल हुआ। जी जी, तो उनका जो बैकग्राउंड था रेडियो का और राइटिंग का, लाहौर रेडियो से उनका एक बच्चों का प्रोग्राम होता था होनहार इतवार के दिन सुबह 9 बजे, तो वो उसके भाईजान थे, और एक होती थी मोहिनी हमीद, वो आपा शमीम होती थी। बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब से मेरी आंख खुली है जो मुझे याददाश्त है, तो वो रेडियो के माइक के सामने मेरी आंख खुली है ऐसा लगता है। बिल्कुल हाँ, डेफिनेटली। और एक और आपको सरप्राइज बताऊं, 1964 ही में एक फिल्म बनी थी एक तेरा सहारा, उसमें मैंने एक ऐसी किसी की याद में दर्पण पिक्चराइज हुआ है? क्या क्या हुआ?
ये आप पे पिक्चराइज हुआ था? अरे भाई नहीं, वो दर्पण साहब पे हुआ था। मैं तो बच्चा था और एक यतीम बच्चे का रोल था, और फिर एक बड़ा मशहूर तराना था, अपने परचम तले हर सिपाही चले, सिपाही चले, उसमें मैं था। वाओ, तो आप देख लीजिए कितना लंबा सफर है मेरा। मतलब आप बस चिपक गए पहले से, पहले दिन से टीवी के साथ, फिल्मों मतलब के साथ। कभी जहन में कुछ इट वाज इन योर ब्लड, मीडिया वाज इन योर ब्लड, खत्म किस्सा। हाँ बस ये बात थी, यही बात थी। जब हम छोटा, मुझे याद है जब टीवी नहीं आया था और मेरे वालिद रेडियो पे होते थे, एक दिन वो जिक्र कर रहे थे कि अब ऐसा एक चीज आने वाली है जिस पे मैं नजर भी आया करूंगा। तो ये मैं आज तक मुझे याद है वो उनके 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 अल्फाज। और उसके बाद फिर वो टेलीविजन आ गया, और जो टेलीविजन का जो एंटना था उस वक्त छोटा सा एंटना था, और रेडियो ही की बिल्डिंग में एक छोटा सा एनेक्सी सा था जहाँ ये टीवी कायम हुआ था, और वो एंटना जब लगाया गया तो उसमें मैं भी शामिल था रस्सा खींचने में। और उस जमाने में कौन कौन थे, देखिए असलम अजहर साहब, ज़क़ा दुर्रानी, तारिक अजीज, कमल हमीद, मुझे याद आ रहा है सैयद अख्तर हुसैन, और बहुत से आर्टिस्ट वहाँ पे जमा थे, और फिर रस्सा पकड़ के फिर जोर लगा के उसको खड़ा किया गया था। बुनियादों में आपका उसमें पसीना शामिल है? आप पता नहीं उस वक्त पसीना निकला या क्या निकला, लेकिन रस्सा जरूर खींचा था। अच्छा ये बताएं जी, टीवी आपने 60s में टेलीविजन में काम किया, हाँ। फिर आप एकदम से पाकिस्तान टेलीविजन पे 90s में आ गए। हाँ बिल्कुल सही, हम शेरी हम जोजी, नहीं शेरी एंड जोजी, हाँ हम हाँ। शेरी हम जोजी, हम जोजी, हाँ। उसमें आप और शुएब भाई दोनों उसके अंदर, हम राशिद, हम हामिद, हम शेरी और हम जोजी। मैं आपको, नहीं नहीं, एक थी सफिया, ए बिल्कुल, काबिल, तमाशा, बड़ी अम्मा, कहानी। तो वो तकरीबन पूरा 90s जो है वो लॉन्ग प्लेस जो हुआ करते थे वो उनमें गुजरा जी। वाह, और फिर आपने ये वॉशिंगटन में भी शूट किया था, एक पहला प्राइवेट सीरीज प्रोडक्शन, जुनून थी अब्रॉड, जुनून जुनून थी आपकी, जुनून जो था जिसमें अतीका ओडो थी, तनवीर जमाल मरहूम थे, हाँ, सीमी जैदी थी, बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े खूबसूरत लोगों का नाम ले रहे हैं आप, हाँ। और 13 एपिसोड्स की थी वो, और 45 मिनट्स ईच, तो आप अंदाजा करें कि बड़ा मुश्किल काम था भैया। अच्छा कवि साहब भी तो आए थे वो गालिब कुछ करने के लिए? देखिए कवि साहब के साथ तो हमने पहला जो सीरियल था मिर्ज़ा गालिब अमरीका में, जो 93 में हमने बनाया था, और शायद NTM या STM था, NTM था, वही 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 एक ही चीज थी, तो उस पे उसके लिए था। और उसके बाद फिर ये जो जुनून था ये PTV पे हमने टाइम बाय करके तो चलाया था, अभी ये प्राइवेट चैनल्स आए नहीं थे। आपने भी बहुत एवॉल्व किया है, जैसे फ्रॉम रेडियो टू वी लॉगिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपने माशाल्लाह से, आपने और शुएब भाई ने हर जगह झंडे गाड़े। अब पता नहीं झंडे गाड़े कि नहीं गाड़े, लेकिन काम करते रहे, रुके नहीं सर। बिल्कुल यही चीज है कि नहीं रुके, हाँ। और इसके साथ साथ आपने जो हमारे यहाँ टेलीविजन पे अनवर मकसूद साहब थे, हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे, जी जी, उनको आपने, उनसे बड़ी आपकी कुर्बत रही है। बस जब 1993 में जब वो मिर्ज़ा गालिब बनाई तो वहीं से दोस्ती का आगाज़ हुआ, और जो
आज तक कायम है और मेरे ऊपर बड़े एहसान, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब हाँ मैं क्या बताऊं, मतलब जीने का करीना उनसे सीखा है मैंने। वाह, तो जब पहली बार अमेरिका आए थे और आपने उन्हें अपने घर ठहराने की बात की तो क्या कहा था उन्होंने आपको? वो ये, पहले तो हमने उनको सोचा कि किसी होटल में ठहराएं, ठीक है, तो फिर वो कहते नहीं यार अपने घर ही ले चलो। तो फिर हम जो बेसमेंट में एक बेडरूम था तो वहां उनको फिर हमने ठहराया। अच्छा, उनकी बुक में लिखा है कि उन्होंने, आपने उन्होंने कहा होटल का है तो आपने कहा कि हम आपको अपने घर ले चलेंगे, तो उन्होंने शायद जवाब में कहा कि तुम लोग शक्ल से ही गरीब मिडिल क्लास के लगते हो। हाँ हाँ, नहीं ये ऐसे उन्होंने कहा नहीं, लेकिन किताब में उन्होंने हाँ लिख दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये नहीं वो कह भी सकते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। नहीं, कोई नहीं रोक सकता भाई उनको, उनको अब मैं क्या कहूँ, वो भी नहीं रोक सकते। हाँ वो और जनरल साहब तो रोक ही ना पाए, रोक नहीं सके कभी उनको। नहीं, अच्छा ये जो उर्दू फिल्म्स थी या पंजाबी फिल्म्स का जो आप तस्करा कर रहे हैं, इसमें इनके डाउनफॉल में कुछ हाथ तो वीसीआर का भी है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और अब मैं क्या बताऊं, मतलब यार बहुत ही इतनी ज्यादा वो होती थी कि फलां की, मतलब वीडियो लगा लिया और फिल्म लिख दी। बड़े बड़े नाम है तो काबुल जाने का खर्चा बच गया ना। हाँ, पहले काबुल जाते थे, वहां से वो लिखवा लेते थे, नाम चेंज किए और फिल्म बना दी, उसके बाद ये वीसीआर आ गया। बहुत नुकसान हुआ इस तरह से, बहुत नुकसान। अच्छा एक छोटा सा किस्सा सुनिए सेंसर के हवाले से। पीटीवी पे सब सेंसर हो जाता था, ठीक है। हाँ। तीन चीजें मैं आपको 83 के सिल्वर जुबली की बताता हूँ जो सेंसर नहीं हुई। अच्छा। वन वॉज जब वहीद मुराद ने बैठ के कहा ना, पहले लोग काबुल चले जाया करते थे, काबुल नहीं कटा, क्योंकि ये नहीं था कि क्या बोला है, ये देखोगे किसने बोला है, नहीं कटा। मोहम्मद अली आए, मोहम्मद अली साहब ने आगे कहा कि आजकल तो फिल्मों में एक्शन है और सेक्स है। अच्छा, ये क्या? अच्छा। कटा नहीं। और तीसरा हमारे लहरी साहब ने कहा कि एक फिल्म बनाई नवाब ज्यादा, एक बनाई खान ज्यादा और एक बनाई बहुत ज्यादा। ये सुना है मैंने, ये चीजें, ये इस तरह की चीजें नहीं कटी। और अनवर मकसूद के होके बैठे बैठे नहीं कटी तो बड़ी बात है। हाँ नहीं, सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा अब आप सर अपने हॉलीवुड का थोड़ा सा बताइए। हाँ बताइए, कि जो आपने वहाँ जो आप उसका बताएं, क्योंकि हमारे लिए वो एक सबके लिए मुझे तो थोड़ा थोड़ा पता है शॉकिंग होगा। देखिए जब मैं अमेरिका आया तो छोटा था, और फिर मैं न्यूयॉर्क में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स है, बहुत पुरानी एकेडमी है, बड़े बड़े नामी ग्रामी एक्टर्स वहाँ से पढ़ के निकले, तो मैं वहाँ चला गया था। दो साल मैंने वहाँ पढ़ा और ड्रीम ये था कि मुझे ब्रॉडवे पे एक्टिंग करनी है। तो ब्रॉडवे भी बता दें, हमारे यहाँ ब्रॉडवे नहीं पता लोगों को। अच्छा, ब्रॉडवे जो है वो है एक एरिया है जो ब्रॉडवे सड़क का नाम है, वहाँ पे थिएटर्स हैं जहाँ ड्रामे होते हैं, और मतलब एक ड्रामा अगर लग गया तो 10-10 साल 20-20 साल भी चलता है। तो मुझे ये था कि मुझे ब्रॉडवे पे काम करना है, और मैं ऑडिशंस पे जाता था, बहुत छोटा था। और अभी अमेरिका में हम जैसे लोगों के अभी कैरेक्टर्स आए नहीं थे, ना ड्रामों में ना फिल्मों में, तो बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी, कुछ नहीं बना। उसी ज़माने में मुझे शबाब साहब ने बुला लिया पाकिस्तान कि तुम आ जाओ यहाँ और मेरी फिल्म में काम करो। तो वो अमेरिका छोड़ के फिर मैं पाकिस्तान आना जाना शुरू हो गया। एक मिनट, आप फिर असल सही मानों में अमेरिकन रिटर्न्ड हीरो हुए। हाँ हो सकता है, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह सकते। अच्छा, तो कंटिन्यू। हाँ, तो
लेकिन ड्रीम यही था कि मुझे काम यही करना है। फिर इस बीच में फिर पाकिस्तान 90s निकल गया, फिर 2000 में आके मुझे हुआ कि यार ये तो अब जाती है ना, मुझे कुछ करना है। तो एक कोई अल जज़ीरा का, अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड है जो एक्टर्स की यूनियन है हमारी, उसका मेंबर होना बड़ा ज़रूरी होता है कहीं भी अच्छा काम मिलने के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सैग की किसी प्रोजेक्ट में काम करें, मतलब कैच 22 है ना, क्या कहते हैं। तो मुझे एक अल जज़ीरा का शो था जिसमें न्यूज़कास्टर दिखाना था उनको, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुक किया और वो सैग का प्रोजेक्ट था, तो वो परमिशन उन्होंने दे दी। उसके बाद फिर सैग वालों का आ गया कि जी अब आप यूनियन ज्वाइन करें। तो मैं तो कहा बिल्कुल। तो इस तरह से मुझे स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड की मेंबरशिप मिल गई थी। उसके बाद फिर काम आसान हो गए, थोड़े थोड़े काम। फिर आपको शायद याद हो, एक हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में होती हैं मिक्स, कुछ एक्टर हॉलीवुड के कुछ बॉलीवुड के, तो वो बहुत सी उस तरह की फिल्मों में मैंने बहुत काम किया। वॉक अवे, ऑन गोल्डन ईयर्स, इस तरह की फिल्में थी जिनमें शुरू में बहुत काम किया। फिर ये अपना फरीदा पिंटो की ओनली, फिर इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस, और अभी रिसेंटली जो टीवी सीरीज थी एप्पल की द बिग डोर प्राइज, उसमें फरीद मलिक का रोल है मेरा। और फिर अभी मेहरीन जब्बार की एक सीरीज मिनी सीरियल थी, सेवन डेज इन कोनी आइलैंड, जो शायद ग्रीन पे चली है, तो उसमें और अब मेरीन के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नाइस, वाओ। तो डायरेक्शन में आप खुद कैसे हैं? जो आपकी फिल्म जो गई है वो तो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय यू, इट वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय यू। बिल्कुल, जो जुनून जो था सीरियल वो भी मैंने डायरेक्ट किया, अमेरिका चलो वो किया। तो डायरेक्शन में तो मुझे बहुत शौक था शुरू से। अच्छा, जाते जाते एक बड़ा मजे का सवाल आपसे पूछता हूँ। आपने यकीनन फिल्में सिनेमा में देखी भी होंगी जाके। तो व्हाट वाज योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ द फर्स्ट या सेकंड टिकट यू बॉट, हाउ मच वाज द कॉस्ट? अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ। वैसे तो मेरे वालिद बहुत शौकीन थे फिल्मों के, मुझे लेके जाते थे। और मजे की बात यह है कि रानी की मैंने फिल्म अपने फादर की गोद में बैठ के देखी थी, शबनम नाम था फिल्म का। कमाल साहब भी थे उसमें, कमाल भी थे, मोहम्मद अली भी कमाल, दोनों थे, दोनों थे। तो जो एक्सीडेंट हो जाता है उनका। अच्छा, लेकिन जो पहली फिल्म मैंने खुद अपने पैसे खर्च करके, वो मैंने एक मेरी पुरानी किताबें थी, नवीं या आठवीं की होंगी, तो वो उर्दू बाजार जाके बेची और वो 1.5 रुपया उसका मुझे मिला। तो शमा या शीश महल इछरे के पास वो थिएटर है, तो उसमें नदीम की फिल्म थी बहन भाई, 1968। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो फिल्म मैंने पैसे खर्च करके, 12 आने का टिकट था उस वक्त, वो लूट है सर आपको, सबसे आगे बैठ लूट है वो देखी। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उसमें नदीम के कराची भी कमाल भी थे, कमाल भी थे, एजाज असलम, हाँ असलम परवेज, हाँ रानी भी थी, दीबा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहली से उसके अंदर वो खुद अपना टिकट खर्च करके देखी। एजाज साहब का सीन ये था उसमें, पिंप का रोल था ना, हाँ वो बांध के, हाँ यूं करके, हाँ बस पी ही लेते
बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। सर आपको बड़ा बोल ले आपको याद है, बहुत चीजें याद है, हैरान कुन बात है वैसे। थैंक यू सर, बस यही किया जिंदगी में। एजाज साहब से मेरी बात हुई थी एक दफा फोन पे, दो तीन दफा, वो इतना एक्साइटेड हो जाते थे जब उनसे मैं फोन पे कभी बात करता था कि शहीद फिल्म पे मैं बात कर रहा था और वो इतना एक्साइटेड है कि उनने बहन भाई भी बता दिया और भी कोई फिल्म बता दी। मैंने कहा सर मैं बाद में फिर फोन करूंगा आपको। गोल्डन पीरियड था, आप लकी है कि आपने वो देखा है, आपने यू हैव लिव्ड दैट टाइम। बिल्कुल यार, मुझे अच्छी तरह याद है शबाब स्टूडियो में कुर्सियां लगी होती थीं, मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, वहीद मुराद, नदीम, सुल्तान राही अपने घोड़े पे चले आ रहे हैं, क्या क्या लोग थे यार, और सब, और वो मैं उनके साथ मैं बैठा हूँ, ये कितना मतलब मुझे, जिन लोगों को मैं देखता था बड़ी स्क्रीन पे जो मेरे हीरो थे, फिर एक टाइम आया कि मैं उनके साथ मैंने काम किया। ये आपने रानी साहिबा को बताया था कि आपने उनकी फिल्म शबनम देखी और उनके साथ हीरो आ रहे थे फिर? मैंने बताया था। रानी साहब से मेरी खासी दोस्ती हो गई थी तराना में। तराना में भी थी, खुशबू में आपकी सास बनी थी। हाँ, बल्कि फिर मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सेट लगा हुआ था तराना का, तो वो मेरी बगल में और हम गाना पिक्चराइज वो वहीद वाला वो कर रहे थे, बेवफा कौन है कौन हर जाई है। हाँ, और शाम को आज मैं फिल्म में हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो शाम को सेट लगा। सॉरी सर गलती कर दी मैंने, गलती की, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। जी हाँ, हुस्न वालों से दिल बिल्कुल ना लगाए कोई, क्या बात है, क्या बात है। बेवफा हैं के दिल तोड़ देते हैं, और बेवफा पे कैमरा यूं आता है बैंग करके। अच्छा, तो जो मैं बात बता रहा था वो ये थी कि उसी शाम दूसरा सेट था खुशबू का, जहां रानी जो है वो मेरी खाला बनी बैठी, मतलब वो खाला कह के मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, तो ये भी हुआ। पैसे तो अदाकारी के पैसे तो ऐसे नहीं मिलते ना। सही बात। लेकिन शी वाज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, क्या बात। बहुत बहुत सिंगरों के गाने जो हैं वो रानी साहिबा खा गई थी चक्कर में। सही बात बहुत बहुत रूना लैला ने, और रानी बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनती, और कोई वो नहीं था कि मैं बहुत बड़ी अदाकारा हूं, कोई ऐसी बात नहीं थी। रानी साहिबा की बेटी से राबिया जी जी से है मेरी, उनसे बातचीत होती रहती है चीजों के हवाले से, तो उनसे मैंने एक आर्टिकल लिख रहा था रानी साहिबा पे। अच्छा। तो मैंने कुछ पूछी चीजें, तो उन्होंने बताया कि रूना लैला ने एक दफा उनसे कहा था लक्स अवार्ड जब हुए थे। हाँ। कि रानी स्टोल माई थंडर, और जो गाना रानी की जो पिक्चराइजेशन होती थी, मतलब वहीद साहब और रानी, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ किसी ने कभी उनसे अच्छे गाने पिक्चराइज। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 100% सही। वहीद साहब जितना तो मैंने देखा ही नहीं, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। सर क्या हुआ था वहीद साहब के साथ, आप कुछ बता। वही सारी बात है कि सभी जानते हैं कि जो डाउनफॉल था उनका, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और बहुत ज़्यादा दोस्ती करने वाले वो थे नहीं लोगों से, ना काम से काम या काम से काम और घर चले गए, दैट टाइप। तो फिल्मी दुनिया, आपको पता है कि अगर आपका नाम है तो सब ठीक है, नहीं है तो फिर, और ये हर जगह है,
ये कोई पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। तो कुछ तो लोग जब उनको पता था, जब उनको पता था कि दुनिया भर में ऐसा ही होता है, बहुत वेल्डेड आदमी थे, सबको जानते थे, सब चीजें दुनिया देखे आदमी थे, ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो उन्होंने क्यों नहीं एडजस्ट किया? मेरा ख्याल है कि कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन ये अब देखिए कोई वो कोई उम्र नहीं थी उनकी, जिस उम्र में वो गए हैं, क्या 42 साल उम्र होगी टोटल? 45 तो क्या उम्र है यार? हुमायूं सईद तो 55 में भी अब हीरो आ रहे हैं यार, तो वो तो कुछ भी नहीं थे बेचारे। 53 हुमायूं मेरा दोस्त है वैसे, वो बुरा नहीं मानेगा मेरी बात को। जो हीरो है ना वो तो लंबा चलता है, हीरोइन जो है अगर 10 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हीरो तो चलता है। अब शाहरुख खान को भी 30 साल हो गए यार। हो गए हमारे बेग साहब, बेग साहब, हाँ नहीं बेग साहब माशाल्लाह आज भी काम, आज भी पिछले हफ्ते मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा अच्छा। मैं कामयाबी फिल्म पे आर्टिकल लिख रहा था तो मैंने उनको कॉल की थी, तो वो हमें वही कनाडा में शूट हुई थी वो फिल्म, उनकी परवेज मलिक साहब ने डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस की, तो उसमें मुझसे बात कर रहे थे, वो कह रहे हैरान कुन थी चीज के तलत हुसैन और बेग साहब एक साथ पढ़ते थे कॉलेज में, और उस फिल्म में तलत हुसैन के वालिद बने हुए थे। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तलत भाई का भी बड़ा अफसोस हुआ वैसे यार। जी सर हम आए वो तो आखिर में बीमार रहने लगे थे, और लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त आदमी थे। आपको शायद पता ना हो जी, अकबर अहमद साहब की जो फिल्म थी जिना, जिना हाँ, जिना में इनका भी छोटा सा, तलस भाई का भी छोटा सा आखिरी में था ना, हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ तो उसका प्रीमियर शो मैंने करवाया वॉशिंगटन में, तो तलत भाई को मैंने बुलाया उसके लिए पाकिस्तान से। तलत भाई आए फिर एक हफ्ता मेरे साथ, वो सीन भी कोई नहीं, बहुत जबरदस्त वो एक वो सीन कोई कर नहीं सकता था, एक सीन ही उन काफी था, बहुत बड़ा, जैसे वो ओमपुरी वाला था, ओमपुरी ने जो गांधी में किया सेम चीज थी बिल्कुल, तो छोटा सा रोल था उसका। तलत भाई के साथ मैंने शायद 2-3 ड्रामे किए, एक तो सुन ले हाँ, नवीन नकवी डांस कर रही है, नवीन नकवी डांस करेंगे, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, तलत साहब ने कहा चुप प्यार किया चुप, और फिर आप आते हैं सलीम बन के और कहते हैं कि रिम जिम पड़े फुहार वाला गाना गाते हैं, और कहते हैं तलत साहब को देख के कहते हैं जिल्ले इलाही रहे हैं ताड़ तेरा मेरा। यार आप वहां थे क्या? हाँ टीवी पे देख रहे थे, टीवी पे देख रहे थे। माय गॉड क्या जहन है आपका भाई, कमाल है यार, ये तो मुझे भी याद नहीं रहा। हमारे स्कूल में कहते थे कुत्ते ने भी कंफर्मेशन कर दी बोल रहा पीछे तो ये तो सर इस वाली गुफ्तगू को आपकी खत्म करते हैं, और आपने बहुत बहुत लोगों के साथ जबरदस्त काम किया, बेहतरीन चीजें की, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और आप करते रहेंगे और हम देखते भी रहेंगे और हम सीखते भी रहेंगे आपसे। थैंक यू सर, बहुत बहुत वंडरफुल टॉकिंग टू यू। Thank you, bhai. Thank you so much.